बैक टू माई यूट्यूब चैनल और आज ये मेरा सेकेंड ब्लॉग होने वाला है जिसके अंदर आई बी शोइंग यू माई लेजर ट्रीटमेंट और मैं आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर भी करूँगी जो मैंने इंस्टाग्राम से लिए थे. सो राइट नाउ आई एम इन माई कैब और हम लोग जा रहे हैं पैसिफिक मॉल. पैसिफिक मॉल में मैं काया क्लिनिक से अपना ट्रीटमेंट ले रही हूँ. सो या अब हम पैसिफिक मॉल आ चुके हैं एंड यस वी आर गोइंग. एंड दिस इज द पैसिफिक मॉल. देख सकते हैं कितना कोरोना टाइम है, थर्ड वेव क्या, कितना इंतजार है लोगों को. काया हम आ चुके हैं और ये फर्स्ट फ्लोर पे ही है पैसिफिक मॉल में काया क्लिनिक. You can see पूरे precautions के साथ she is doing it, wearing a PIP kit because of this COVID. और हमारे आने से पहले उन्होंने पूरा sanitize किया हुआ है room को और जो sheets होती है they change every time, every use. So now as a part of a process, पहले वो एक white marker pencil से पूरा sections बनाते हैं and then they start shaving it. उससे पहले उन्होंने फ़ोटो लिया था टू मैच पहले वाली सिचुएशन से अब वाला क्या बेटर है कि नहीं एंड देन दे शो टू द डर्मेटोलॉजिस्ट एंड देन दे डू द प्रोसेस. सो बिकॉज ऑफ द लेजर लाइट्स वी कैन नॉट यू नो ओपन आवर आईज और एवरीथिंग सो वी वियर दिस ग्लासेस. नाउ दिस इज़ अ जेल जिससे हमारी स्किन काफ़ी प्रोटेक्ट होती है. दिस इज़ वेरी कोल्ड जेल जिससे लेज़र एकदम स्किन पे इफेक्ट नहीं करता है एंड दिस आर दिस द प्रोसेस गोइंग ऑन. यू कैन सी एक एक को एक एक पार्ट को वो बार बार करते हैं ताकि पूरे अच्छे से एक एक रूट को ख़त्म कर सकें.
देख सकते हैं मेरी पूरी स्किन रेड हो गई होती है उस टाइम पे, काफ़ी हीट निकल रही होती है स्किन से, बिकॉज दिस इज़ वेरी हॉट, काफ़ी लेज़र लाइट्स बहुत हॉट होती हैं। नाउ आफ्टर डूइंग द प्रोसेस ये पूरा वो जेल क्लीन करते हैं एंड देन शील अप्लाई अ क्रीम विच इज़ अ प्रोटेक्टिंग क्रीम, पोस्ट क्रीम, पोस्ट लेज़र क्रीम। यू कैन सी दिस इज़ माई स्किन आफ्टर गेटिंग लेज़र, कोई भी बाल बचा नहीं है और काफ़ी स्मूथ हो जाती है स्किन। अगर आप लोग को मेट्रो में ट्रैवल करना है तो हमें सुभाष नगर से मेट्रो से वापस जाने का रूट हमने लिया है, सुभाष नगर से राजीव चौक और राजीव चौक से हुड्डा गुड़गांव। सो आर ट्रैवलिंग फ्रॉम मेट्रो, तो आपको हुड्डा से राजीव चौक लेनी होगी और फिर उसके बाद सुभाष नगर, और सुभाष नगर से वॉकिंग डिस्टेंस पे एक पैसिफिक मॉल है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इंट्रोडक्शन तो मैं दे चुकी हूँ शायद, राइट? सो टुडे आई विल बी शूटिंग आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस अबाउट द लेज़र ट्रीटमेंट और माय एक्सपीरियंस सो फार, कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्या प्रोसेस है, हाउ डज इट वर्क, ऑल योर क्वेश्चंस जितना मुझे पता है इसके बारे में आई विल आंसर इन ऑल दैट। और अगर आप लोग करवाना चाहते हैं और एवरीथिंग, यू कैन ऑलवेज गो टू योर डर्मेटोलॉजिस्ट और अकॉर्डिंगली। So I'll tell you about my journey of getting laser reduction. मैंने क्यों करवाया, क्या ज़रूरत थी। इट्स अ प्रोसेस विच रिक्वायर्स मेंटेनेंस, सो इट्स लेज़र रिडक्शन नॉट लेज़र रिमूवल। इससे आपकी ग्रोथ जो होती है कम होती है, पूरी नहीं जाती है, आई मीन किसी किसी की चली जाती है बिकॉज ऑफ देयर, उनको इतना नहीं होता, बट स्टिल वो थोड़े थोड़े कभी कभी आ जाते हैं आफ्टर वन ईयर, आफ्टर टू ईयर्स, और किसी के आफ्टर वन मंथ, टू मंथ। लाइक अभी मेरा प्रोसेस जो चल रहा है, आई स्टार्ट व्हाट वाज द नीड ऑफ गेटिंग द लेज़र रिडक्शन, व्हाट वाज द नीड ऑफ गेटिंग इट। सो आई वॉज सफरिंग फ्रॉम PCOD, आई एम स्टिल सफरिंग, बट अब कम हो गया है काफ़ी ज़्यादा। सो माई मेंस्ट्रुअल साइकिल वॉज इफेक्टेड ड्यू टू दैट, एंड कई लोगों को PCOD में एक्ने होता है, आई वॉज गेटिंग फेशियल हेयर्स, उस टाइम पे मेरे को एक्ने नहीं था, फिर ज़्यादा हेयर हो गया था, स्टार्टेड ब्लीचिंग, और फिर मेरा गायनेक से मेरा PCOD का भी चल रहा था, एंड देन आई वेंट टू डर्मेटोलॉजिस्ट, उन्होंने भी अपनी दवाइयाँ दिखी, बट दैट्स होल अदर स्टोरी अबाउट PCOD, जो भी जर्नी रही है, बट ड्यू टू PCOD मेरे को फेशियल हेयर्स हुए। सो आफ्टर फेशियल हेयर जब मेरा स्टार्ट हुए, मतलब पहले तो लाइट थे, फिर मैंने ब्लीच करवाई, उससे भी ठीक नहीं हो रहा था, फिर मैंने घर के नुस्खे भी ट्राई किए, बेसन वाले, DIY जो सब लोग बोलते हैं, बट उससे भी कुछ नहीं हुआ। देन मैंने वैक्स करा ली, येस आई गॉट फेस वैक्स, जो यहाँ यहाँ थे पहले मेरे, बस ये एरियाज पे थे, तो मैंने फेस वैक्स करा ली। उसके बाद ये सेकेंड ईयर में मैंने फेस वैक्स कराई थी, और सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर तक मैं फेस वैक्स पे कराती थी, एंड इट वाज मतलब सही था, बट इट वाज रियली रियली पेनफुल। आई गेस मैंने पहले ही लेज़र रिडक्शन ऑप्ट कर लिया होता, बहुत पेनफुल था फेस वैक्स वाला टाइम, आई नो, बट मैं कराती थी बिकॉज आई थॉट लेज़र रिमूवल, मैंने कभी ऑप्शन देखा, चुना नहीं था, बिकॉज आई थॉट वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता होगा, तो इट इज़ एक्सपेंसिव वैक्सिंग वगैरह से, तो उस टाइम पता नहीं क्यों आई नेवर थॉट अबाउट गेटिंग अ लेज़र रिडक्शन, आई थॉट हो जाएंगे ठीक है ऐसा कुछ, बट वैक्सिंग के 2 या 3 साल बाद कुछ कम नहीं हो रहे थे, बट की जो ग्रोथ थी वो बहुत थिक हो चुकी।
या सो मेरे वैक्सीन से काफ़ी थिक हो चुके थे थर्ड ईयर तक. फिर मैं ऑफिस मेरा स्टार्ट हो गया था तो वहाँ पे मुझे बिल्कुल भी मेरा कॉन्फिडेंस लो होता था. आई डोंट नो व्हाई, आई मीन होता था मेरा काफ़ी ज़्यादा. सो आई वेंट टू, मैंने काफ़ी जगह से पूछा कि मुझे कहाँ से कराना चाहिए, बिकॉज दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई वॉज गेटिंग समथिंग. मैंने आज तक फेशियल भी नहीं करवाया था, क्लिनजिंग भी नहीं करवाई है मैंने आज तक अपने फेस पर. बट बहुत डर सा लगता था मुझे, वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट. जगह से पूछा, एक दो जगह मैंने बात भी करके आई. कई जगह काफ़ी एक्सपेंसिव थी चीज़ें, कि वो खाली ये पार्ट को सिर्फ 3,000 में हटाते थे, सिर्फ इस वाले पार्ट को वन टाइम के लिए. तो काफ़ी ज़्यादा पूछने वगैरह के बाद आई वेंट टू काया. सो आई वेंट टू काया बिकॉज काया मेरे को काफ़ी प्रॉमिसिंग लगा. उनके जो प्रोसेस था उसमें मशीन्स वगैरह उन्होंने पहले पूरा मुझे डिस्क्राइब किया था. दे हैव देयर ओन डर्मेटोलॉजिस्ट एज वेल ऑल्सो. दैट वॉज नॉट सो एक्सपेंसिव मेरे लिए. मुझे ऐसा लगा कि वो एक्सपेंसिव नहीं है बिकॉज दे हैव देयर ऑफर्स गोइंग ऑन. तो उन्होंने मुझे दो ऑफर बताए थे, आई टेल यू. वन वॉज ऑफ समथिंग 28,000 का, जिसके अंदर सिर्फ 6 सेटिंग्स थी. एंड देर वॉज अ ऑफर गोइंग ऑन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जिसके अंदर आपको 4 बॉडी पार्ट्स के 6 सेटिंग्स मिलेंगे विद 48,000 या 50,000 में. सो आई ऑप्ट फॉर दैट, जिसके अंदर से मैंने उनसे बोल दिया था कि आई विल नॉट गो फॉर एनी अदर बॉडी पार्ट, पर मुझे अपने फेस पे ही करानी है वो सारी सिटिंग्स. बिकॉज आई न्यू मेरे बहुत ज़्यादा ही हार्ड ग्रोथ है, वो 6 सिटिंग्स में तो नहीं जाने वाली है. उन्होंने भी बोल दिया था मेरे को 8 सिटिंग के बाद फ़र्क दिखना स्टार्ट होएगा. पहले की 6 सिटिंग्स तो, बिकॉज माई हेयर ग्रोथ इज वेरी वेरी थिक. तो आई टेल यू अबाउट, यहाँ से लेकर ये चीक एरिया और ये यहाँ तक, कईयों के यहाँ होता है सिर्फ चिन पे होता है क्या, मेरे पूरे यहाँ तक, नेक तक था वो पूरे. मेरा काफ़ी ज़्यादा ही हो रखा था. तो मुझे पता था कि ये 6 सिटिंग्स में तो जाने से रहा, और फिर उसके बाद मैं 38,000 भरूँ और 6 सिटिंग्स लूँ, तो अभी ऑफर चल रहा है, वाई नॉट. तो नाउ आई टेल यू अबाउट माई प्रोसेस सो फार. मेरी 8 सिटिंग हो चुकी है अब तक, एंड आई नो आई हैव सीन द रिजल्ट. बहुत ज़्यादा ही प्रोमिनेंट रिजल्ट रहे हैं अभी तक, क्योंकि मेरा लेज़र जो स्टार्ट हुआ था दैट वॉज स्टार्टेड इन 2020, कोरोना से पहले. तो कोरोना से पहले मैं 2 सिटिंग ले चुकी थी. जो ये सिटिंग्स होती हैं ना, ये चाहते हैं कि 45 डेज या 30 डेज के बाद आप ले लो, बिकॉज क्योंकि जो हमारे हेयर फॉलिकल्स, पता नहीं क्या बोलते हैं, जो हेयर रूट्स होते हैं ना, उनको ये लोग ऐसे वो लेजर लाइट से ख़त्म करते हैं, बर्न कर देते हैं, ठीक है. तो अगर आपके वो फिर आ रहे हैं और फिर वो बर्न करें, फिर आ रहे हैं, फिर वो बर्न ही हुए, तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा क्योंकि उससे वो ख़त्म ही हो जाएंगे. बट अब क्या हो गया, कोरोना आ गया. अब उसके बाद वो जब हेयर ग्रोथ आ रही थी, उसके बाद मैं जा नहीं पाती थी क्योंकि लॉकडाउन हो गया था. तो अब मैं ऐसे भी नहीं रह सकती थी. सो उन्होंने बोला वैक्स नहीं करानी है, क्योंकि वैक्स से वो जो रूट है वो टूट जाती है अपने हेयर से, ठीक है. तो यू शुड ऑलवेज शेव, जिससे बस हेयर ही ट्रिम होगा, उसकी रूट को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो आई यूज़ टू शेव, जैसे उन्होंने प्रोसेस में वो लोग शेव कर रहे थे पहले, वैसे ही आई यूज़ टू शेव. तो ऐसे ऐसे करके फिर मैं 2 महीने में 1 सिटिंग लेने लग गई, 3 महीने में, अकॉर्डिंग टू लॉकडाउन जैसे भी था. बिकॉज इट वॉज़ इन पैसिफिक मॉल, तो मॉल सारे क्लोज रहते थे, तो इसलिए मैं जा नहीं पाती थी वहाँ पे. तो जैसे जैसे मैं शेव करती थी, अब मेरी 8 सिटिंग हो चुकी है, एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स. अब मतलब बिल्कुल भी, मतलब मेरी बहुत ही ज़्यादा, जैसे आपने देखा होगा मेरी सिटिंग में जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत ही लाइट है. ये तो कुछ नहीं थी, मेरी बिल्कुल मेल टाइप वाली हो चुकी थी. बिकॉज जो मेरी डर्मेटोलॉजिस्ट जो पहले की थी, उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दी थी कि इस ये आप ट्राई करो कि उससे. आई टेल यू, इफ़ यू आर फेसिंग फॉर PCOD, और ये कुछ भी ऐसे प्रो टिप मैं दे देती हूँ, गो फॉर होम्योपैथिक, डोंट गो फॉर एलोपैथी. सो या सो फार दिस इज़ हाउ लॉन्ग इट विल स्टे. सो आई विल टेल यू हाउ लॉन्ग का तो कुछ ऐसा नहीं है, इट जस्ट टोटली डिपेंड ऑन योर हेयर ग्रोथ. सबका अलग ग्रोथ होता है, उस हिसाब से. इट जस्ट अ हेयर रिडक्शन प्रोसेस, इट्स नॉट अ हेयर रिमूवल प्रोसेस. इससे पूरे कभी नहीं जाते हैं, आई मीन आपके साल बाद आ जाएंगे, 2 साल बाद आ जाएंगे, बट द हेयर
जो बाल आता है वो काफ़ी थिन होता है, बहुत ज़्यादा, आई मीन जो नॉर्मल हेयर होता है उसकी तरह होता है. इफ़ यू हैव बहुत ज़्यादा वाली ग्रोथ एंड बहुत थिक एंड यू वॉन्ट टू गेट इट रिमूव, डोंट गो फॉर वैक्सिंग एंड स्टफ. आई नो ये थोड़ा कॉस्टली प्रोसेस है, बट इट विल मेक श्योर कि आपका बाल जो है वो काफ़ी थिन हो जाएगा और वैक्स से आपकी स्किन भी बहुत लूज होती है. सो डोंट गो फॉर वैक्सिंग, डोंट गो फॉर ब्लीच इफ यू वॉन्ट. तो आप कुछ आई से कि कुछ ऐसा स्टेबल प्रोसेस ही लो. लेज़र इज द बेस्ट और इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर काया आई थिंक गो फॉर इट. मेरा एक्सपीरियंस सो फार वॉज सो गुड. वॉट आर अदर क्वेश्चंस? I told you about the cost, I told you about the process and how long it will take and kahan se main kara rahi hu, how much. Yes, these are the only main questions jo bhi aate hain aapke dimag mein. always iski root ko pata karna. Thank you guys for watching this vlog. I hope I have answered all your questions. If you have any more questions, you have my Instagram handle, just DM me over there. Thank you.